हमारा स्कूल टूट गया है। टिफिन लेके क्यों आई हो? क्योंकि खाना नहीं बनता। देखे हैं यार, अपन कार्रवाई भी कर दिए थे और फिंगर भी लगा रहा था, वो खाद्य आने नहीं बता रहा है मशीन में। अगस्त माह से नहीं मिला, 15 अगस्त के बाद से टोटली बंद है। क्यों, क्या हो? क्योंकि हम भी दौड़ा कर देखे हैं कि मध्याह्न भोजन चालू की जाए। अधिकारियों का सबको है सर, यहाँ से लेकर जिला तक पता है सबको। के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ से आवंटन पूरा दिसंबर तक रिलीज किया गया है। डिंडौरी जिले में सरकारी स्कूलों के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला मेहंदवानी जनपद पंचायत क्षेत्र के प्राथमिक शाला ठाकुर टोला का है, जहां मिड डे मील योजना बंद होने के कारण स्कूली बच्चों को अपने घर से टिफिन लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल मटियारी ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला ठाकुर टोला का स्कूल भवन खंडर में तब्दील हो चुका है, लिहाजा स्कूल में पढ़ने वाले करीब 30 बच्चों को गाँव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। आलम यह है कि नन्हे मुन्ने छात्रों को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है। सत्यम। कौन से स्कूल, कहाँ, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 5वीं। कितनी दूर है आपका स्कूल, क्या हो गया स्कूल को? हमारा स्कूल टूट गया है। फिर कहाँ आती हो पढ़ने अभी? ठाकुर मटियारी। कितनी दूर है स्कूल घर से आपको? 2-3 किलोमीटर। पैदल आती हो? जी। टिफिन लेके क्यों आई हो? क्योंकि खाना नहीं बनता। खाना नहीं बनता स्कूल में? जी। तो घर से टिफिन लेके आती हो? जी। कब से लेके आ रही हो टिफिन? अगस्त से। अगस्त से? जी। तो देखने मारा सर, ये सब बच्चे टिफिन लेके आए हैं? देखे हैं यार, अपन कार्रवाई भी कर दिए थे और फिंगर भी लगा रहा था, वो खाद्य आने नहीं बता रहा है मशीन में। अच्छा, बता नहीं रहा। हम तो कई बार कोशिश करके भी देखे, ऑफिस में भी जानकारी दे दिए हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, टिफिन लेके आते हैं? टिफिन लेके आते हैं। कितने दिन से, कब से ला रहे हैं? ये सितंबर से ला रहे हैं, अगस्त सितंबर से, मतलब आधा अगस्त बना है इसके बाद। तो ये दिक्कत होती होगी बच्चों को? वो तो होगी सर, बच्चे आने से भी कतराते होंगे। कतराते हैं, लेकिन वो तो आ रहे हैं। कितनी दूर से आते हैं बच्चे? ये मान के चलो 1-2 किलोमीटर पड़ जाता है ठाकुर टोला से यहाँ, और घाट के ऊपर से आते हैं 4-6 बच्चे। इसकी जानकारी आपने दे दी है वो अधिकारी को? जी। तो बच्चे टिफिन लेके क्यों आ रहे हैं बताइए? ये मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है सर। कब से नहीं मिल रहा? ये जो है अगस्त माह से नहीं मिला है, 15 अगस्त के बाद से टोटली बंद है। फिर बच्चे क्या करते हैं? और टिफिन ले लेके आ रहे हैं सर, देख रहे हैं, देख लीजिए टिफिन कुछ बच्चों का। तो क्यों, किस दिक्कत के कारण नहीं मिल पा रहे हैं? ये अधिकारियों की कमी के कारण है सर। क्यों, क्या हो? क्योंकि हम भी दौड़ा कर देखे हैं कि मध्याह्न भोजन चालू की जाए, बच्चे जो है टिफिन ले लेके आ रहे हैं। हम 2 माह से देखे रहे, तो 2 माह से इसके बाद जो है आचार संहिता लगने की पहचान जो है हम कार्यालयों में दौरा नहीं कर पाए हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को है? अधिकारियों का सबको है सर, यहाँ से लेकर जिला तक पता है सबको, और कुछ एक तक तो सीएम हेल्पलाइन में तक लगा रखे हैं, लेकिन उनका तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। ये समस्या हमारे इधर का बना। कब से आ रहे हैं बच्चे टिफिन लेके? ये अगस्त माह से है सर। अगस्त माह जी, 15 अगस्त से जो है टोटल अभी तक की स्थिति मान लीजिए, आज हो गया दिसंबर 23 दिसंबर, अभी तक टिफिन लेके आ रहे हैं। दिक्कत जाती होगी ऐसे में? सर दिक्कत तो जा ही रहा है सर, ये दिक्कत जा रहा है। बच्चे आने से कतराते भी होंगे स्कूल? अरे सर इसमें 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में अभी देखे होंगे 12 की संख्या होगी, दर्द संख्या तक नहीं आ पा रहा है, भोजन ना मिलने की पहचान। और स्कूल भवन की क्या हालत है? स्कूल भवन तो सर जर्जर स्थिति में, वहाँ स्कूल लगाने लायक भी नहीं रह गया है, पूरा मलमा गिर रहा है ऊपर छत से, ऐसे स्थिति बनाए बैठे हैं वहाँ पर। टिफिन धरवा तो नहीं मिले, तो नहीं मिलता टिफिन धरवा के भेज था हम। कितने दिन से भेज रहे टिफिन? 4 महीना है गे। तो स्कूल में नहीं मिलता खाना? नहीं मिले हैं? नहीं मिले। तो सरकार तो बोलती है कि दे रहे हैं खाना करके। सरकार दी थे तो मास्टर खाते, कौन खाते हम जाने चिन्हियाँ, तो टिफिन धर भेज था हम। तो मिलना चाहिए बच्चों को खाना वहाँ स्कूल में? मिलते आपका एक भेज था हम टिफिन धरवाए धरवाए की। कितने दिन से भेज रहे हैं टिफिन? 4 महीना है कि 4 महीना। पूरे बच्चे लेके जाते हैं टिफिन? पूरे बच्चे धर के जाते हैं। पूरे गांव? हाँ। स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलने की वजह से उन्हें घर से टिफिन लेकर स्कूल जाना पड़ता है।
तो वहीं पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों की माने तो वे कई बार मध्यान्ह भोजन बंद होने की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले में कार्रवाई की बात कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे टिफिन लेके खुद आ रहे हैं। नहीं, आपके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ से आवंटन पूरा दिसंबर तक का रिलीज किया गया है और पूरे जिले के 1783 स्कूलों को रिलीज किया है और सोसाइटी स्तर पर इसकी आपूर्ति भी कराई जा रही है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अगर इनको आवंटन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो मैं स्वयं जाके जांच कर ले रहा हूं और इसको देख करके तत्काल चालू करूँगा। क्या लगता है सर, कहां मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम से इसके आवंटन की आपूर्ति नहीं हुई होगी या नान के AEPDS के पोर्टल पर कोई इशू होगा, वो जांच करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा और बिल्कुल इसको हम दुरुस्त करेंगे। जल्द मिलने लगे बच्चों को। सरकार तो दावा कर रही है कि बच्चे के जन्म होने से पहले पेट में जब बच्चा रहता है अपनी माँ की कोख में, तब से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी पूरी रक्षा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, भूखे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से उनको, एक गरीब परिवार के बच्चे, उनको अपने घर से टिफ़िन लेके जाना पड़ रहा है और जो फोटो आप लोगों ने दिखाया उसमें सभी बच्चों के हाथ में टिफ़िन भी नहीं है। जिनके घर में व्यवस्था है वो टिफ़िन लेके जा रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो भूखे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और मैं तत्काल इसको संज्ञान में लेता हूँ और मैं विभाग से बात करता हूँ, शिक्षा विभाग में बात करता हूँ और मध्याह्न भोजन की भी जाँच करवाते हैं, उसमें जो संबंधित हैं, जो दोषी पाए जाते थे उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। विजय तिवारी, IBC 24, डिंडोरी।